इस धरना प्रदर्शन में आए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आदर स्वरूप इस तरह से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के आपत्तिजनक शब्दों से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भुनाते हुए सड़कों पर उतर आई है। चुनावी समर में कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती द्वारा बोले गए शब्दों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से उपायुक्त कार्यालय तक विरोध रैली निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती का पुतला फूंका। धरने के दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सतपाल सत्ती से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की अपील की है। कांग्रेस जिला शिमला अध्यक्ष यशवंत झाजटा ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती द्वारा आपत्तिजनक शब्दों से उनकी मानसिकता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि सतपाल सत्ती सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे अन्यथा प्रदेश भर में कांग्रेस द्वारा धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। क्यों विरोध किया गया? क्या तार आ रही है भाई? देखिए आप लोग ये जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने जिस तरीके से हमारे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर बदतमीजी से एक गाली गलौज की हरकत जो कि उन्होंने की है, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये कांग्रेस पार्टी सतपाल सत्ती जी का जो आज ये पूरे प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो है इसके ऊपर प्रदर्शन हो रहे हैं, और हमारी ये मांग है या तो वो अपनी गलती को सुधारे और माफी मांगे, अन्यथा उनको इसी तरह के प्रदर्शनों का सामना करना। लेकिन वो कई बार सफाई भी दे रहे हैं कि उनके बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। नहीं, तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात नहीं है, आप लोग सभी जागरूक है, मीडिया के माध्यम से ये चीज सामने आई है, ये आपने भी देखा है कि उन्होंने क्या बोला। इसमें तोड़ने मरोड़ने की ये कोई प्रिंट मीडिया की बात नहीं है, इसको आप भी जानते हैं कि उन्होंने क्या बोला। तो क्या लगता है आपको, सतपाल सत्ती पीछे हटने चाहिए या आपको लगता है ये प्रदर्शन आगे भी रहेगा? बिल्कुल हटने चाहिए, ये हमारी महिलाओं के मान सम्मान की बात है। हमारे जिस तरीके की घटिया हरकतें ये लोग कर रहे हैं, इससे ये दर्शाता है कि ये हताशा में जो है इनको अपनी हार दिख रही है और अब ये बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। आगे की क्या रणनीति रहने वाली विधो की? आगे की रणनीति यही है कि अगर इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, इन्होंने माफी नहीं मांगी खुले मन से, तो इनके विरुद्ध जो है पूरे प्रदेश में जो है इस अभियान को जो है तेज किया। सर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बधन की रिपोर्ट।